नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवानी शुक्ला। AIMIM चीफ ओवैसी का आजमगढ़ दौरा, कहा हमारा मकसद किसी को हराना जिताना नहीं, अपने प्रत्याशी को जिताना है। अखिलेश यादव पर बरसे ओवैसी, बोले 12 बार हमें आने नहीं दिया, 28 बार हमारा परमिशन कैंसिल कर दिया। आजमगढ़ पहुंचे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर चुनाव में अपनी पार्टी की जोरदार मौजूदगी का संदेश देते हुए अपनी ताकत भी दिखाई। ओवैसी ने कहा कि भारत की राजनीति बदल रही है, हमको हमारा हिस्सा चाहिए। उन्होंने पूछा कि क्या मेरा मकसद है कि किसी को हराऊं या जिताऊं, हमारा मकसद है कि हमारे पार्टी के कैंडिडेट कामयाब हों। गुलामी की जहनियत है कि आप इलेक्शन मत लड़िए या सिर्फ ताली बजाएं, जिसको जिसको हमारे मोर्चे में आना है हमारे साथ है। ओम प्रकाश राजभर कन्वीनर हैं। ओवैसी ने बाहरी होने व 4 दिन के बाहर के सवाल पर कहा कि यह तो हमारे ऊपर इल्जाम लगते रहते हैं, आगे मालूम पड़ जाएगा कि कौन क्या है। पहली बार आजमगढ़ पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी को देखने सुनने को भारी भीड़ उमड़ी और हालत यह हुई कि उनके तय कार्यक्रमों को भी छोटा करके उनको रद्द करना पड़ा और आधे रास्ते से ही बनारस वापस लौट गए, जहां देर शाम को उन्हें वापस जाने को फ्लाइट पकड़नी थी, जिसके चलते लोगों को मायूसी भी झेलनी पड़ी। खास बात यह है कि ओवैसी को सरायमीर क्षेत्र के मशहूर मदरसा बैतूल उलूम में जाना था, लेकिन अचानक से उनको कार्यक्रम रद्द करना पड़ा और यहाँ पर मौजूद भारी संख्या में लोगों को निराश होना पड़ा। ओवैसी के पूर्वांचल दौरे से विपक्षी पार्टियों की नींद उड़ गई है। आगामी विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को होने की संभावना है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक सभा का मजबूत आधार है। आजमगढ़ फूलपुर से असगर आजम की रिपोर्ट। और मैं जनता का, मुंबई की जनता का, जौनपुर की, आजमगढ़ का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ा ही मोहब्बत का मुजाहरा किया और हमारा बड़ा पुरजोश तरीके से हमारा वेलकम किया। और हमको यकीन है कि ये भागीदारी संकल्प मोर्चा, जिसकी क़यादत जनाब राजभर साहब कर रहे हैं, ये आने वाले विधानसभा के चुनाव में बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। खासतौर से जो पूर्वांचल का दौरा है, उसको लेके आप क्या और किस तरीके से आप अभी तो हमारी शुरुआत हुई है। मैं पूरे यूपी में घूमूंगा जनाब राजभर साहब के साथ, पूरे यूपी के हिस्से में जाएंगे, जनता से मुलाकात करेंगे, क्योंकि कोरोना और कोविड की वजह से रेस्ट्रिक्शन है। हमको उम्मीद है कि जो वैक्सीन दी जा रही है तो उसके 1-2 महीने के बाद जब जनसभाएं करने का मौका मिला वो भी करेंगे। जिस तरह से जनता ने आपको हाथों हाथ लिया, ये तो ठीक है, लेकिन वोट कटवा की तरह से लोग कहने की देखिए, जिसको डर होता है ना हारने का, तो हम पे इल्जाम यही लगा सकते हैं।